अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर है इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल। या तो आप पहले से ही उस रेंज को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, या सिलेक्ट करके पहले रख लो उसको, या बाद में सिलेक्ट कर सकते हो। वो कैसे? पाइवट टेबल में जाओ, अगर पाइवट टेबल बनाना है कि उसका चार्ट बनाना आपने, हम कहते हैं हमने पाइवट टेबल बनाना है। इसको आप करो क्लिक। मतलब क्या इसका, कि स्पेसिफिक या बिग डाटा में से स्पेसिफिक चीज़ों को निकाल के उसकी समरी जनरेट करनी, उसको डाटा को कॉम्प्लिकेट ड्रिल डाउन करना उसको। पाइवट टेबल को क्लिक करो तो आपको देखो आपके पास स्पेसिफिक सारी रेंज ले रहा है पूरे टेबल की, ये टेबल रेंज है। आपने इसको क्लिक करना है और अपनी मर्जी की रेंज देनी है ये वाली, ठीक हो गया। आपने रेंज इसमें हेडिंग इंक्लूड करनी है इसके अंदर आपने, फिर आपने इसको दोबारा एक्सपेंड कर देना है, देन जस्ट क्लिक ऑन ओके। इससे पहले आप देखो आपसे पूछ रहा है कि न्यू शीट में जाना है कि एग्जिस्टिंग शीट पे बनाना है। एग्जिस्टिंग शीट में जिस शीट पे हम मौजूद हैं इस वक्त, करंट शीट। न्यू शीट में कि इसका जो पाइवट टेबल है वो नई शीट जनरेट करके उस पर डालेगा, एग्जिस्टिंग और न्यू। अगर एग्जिस्टिंग है तो उसकी लोकेशन क्या है वो भी बता सकते हैं हम लोग, न्यू बेहतर है। और यहाँ से रेंज दे दिए, जस्ट आपने इसको ओके करना है। तो आप देखोगे कि आपके पास एक न्यू शीट में थोड़ा डिफरेंस एनवायरनमेंट आ गया। इस साइट पर आपके पास वो सारी हेडिंग्स आ गई हैं जो आपके डाटे में मौजूद थी, और इस साइट पे आपको दे रहा है एक ब्लॉक जिसमें लिखा हुआ है पाइवट टेबल। टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल लिस्ट, कहते हैं जो आपने टेबल रिपोर्ट डेवलप करनी है यहाँ से उनको सिलेक्ट करते जाओ, ये कह रहा है वो। एक कॉलम जो है ना, कॉलम की जो हेडिंग है उसको वो कहता है फील्ड नेम, फील्ड वो वाली। अब अगर मैं दरमियान में क्लिक करता हूँ, अब देखोगे ये सारा हाइड हो गया। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अब क्या कह रहा है, क्लिक इन दिस एरिया टू वर्क विद द पाइवट टेबल। इस बॉक्स में क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाता है, दरमियान में क्लिक करोगे तो ये ऑफ हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो वेरी इजी, इसके ऊपर आप क्लिक करो। यहाँ से क्या चाहिए आपको, मुझे चाहिए सिर्फ स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम आ जाएंगे। तो मुश्किल काम है। फिर मुझे चाहिए इन बच्चों का रिजल्ट, और मुझे चाहिए इनकी परसेंटेज और इनकी एवरेज और इनकी ऑब्टेन मार्क्स। या मुझे ये पहले नहीं चाहिए, मुझे पहले ऑब्टेन मार्क्स चाहिए, फिर एवरेज चाहिए, फिर रिजल्ट चाहिए। सिर्फ हमने जिसको क्लिक करते जाना है वो डाटा हमारा यहाँ फैच होता जाएगा, और इतने डाटे को हम लोग अपनी समरी यूज करने के लिए, रिजल्ट कॉप कर दो, इसका रिजल्ट चाहिए, इसका चाहिए, फिर इसका, फिर इसका। मतलब जो तरतीब इधर है वो जरूरी नहीं है, जो मेरी जिस जिसको बारी बारी क्लिक करता जाऊंगा वो बारी बारी मेरे सामने आता जाएगा, ठीक है। मतलब कि डाटा मेरा तो काफी सारा ही है, उसमें से सिर्फ 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 मुझे नाम के साथ सिर्फ मुझे उसकी परसेंटेज चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो इसकी बेस पे जो मर्जी कर लो, इतना सा काम सर है। अब अगर ये देखो, ये कह रहा है जी आप इसको परसेंटेज भी ले लो, ऑब्टेन मार्क्स और एवरेज भी ले लो। अब ये सारे के सारा ये जो डाटा है ये आपको यहाँ शो कर रहा है वैल्यू एक्स में, परसेंटेज सम एवरेज, और स्टूडेंट शो कर रहा है आपको रॉ के अंदर। अगर मैं इसको ले जाऊं उठाकर रॉ से निकाल के कॉलम में ले जाऊं, यहाँ से उठाओ यहाँ रख दो, आपका डाटा का व्यू चेंज हो जाएगा। इसको अब इधर ही रहने देता हूँ, वैल्यूज को उठा के यहाँ ले जाता हूँ, फिर भी व्यू चेंज होगा। यहाँ से रैंडमली आप व्यू चेंज करके देख सकते हो, लेकिन जो बेस्ट अवेलेबल उसने दिया है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो दिस, अब इसको सिलेक्ट करो, टेबल लगाओ, इसका आराम से आप प्रिंट निकाल लो, तो बाकी डेटाबेस से आपने जो चीज़ चाहिए थी आपने निकाल ली। दिस इज योर पाइवट टेबल। अच्छा जी, अब नेक्स्ट में इसका हम, अभी हमने बनाया है पाइवट टेबल रिपोर्ट बनाइए, अब उसका हम लोग चार्ट बना के देखते हैं। हम स्पेसिफिक इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर जाते हैं पाइवट टेबल में, पाइवट टेबल चार्ट, उस पर कर रखते हैं न्यू शीट के अंदर, ठीक है। रेंज भरी हुई पहले उठा लीजिए, हमने पहले दे दी इसको, जस्ट क्लिक ओके। अब वो कह रहा है कि यहाँ क्लिक करोगे तो ये शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा, ये शो होगा। अब इस पे क्लिक करने से यहाँ जो वैल्यूज है ना वो यहाँ चार्ट बनाती जाएंगी। इस जगह मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम,
उसके साथ चाहिए मैथ के नंबर, फिर इंग्लिश, फिर उर्दू, फिर बायो, ठीक है ना। साथ साथ वो आपको उसका लेजेंड, उसका वो भी बता रहा है कि कौन सा कलर किस सब्जेक्ट का, और साथ हमें चाहिए इनकी परसेंटेज, वो भी साथ। इसको पर यहाँ तो नहीं बनता, हाई सब्जेक्ट ही ठीक है यहाँ पर। इसको उठा के वैल्यूज को यहाँ रख दो, इसको इधर ले जाओ, तो आपको चेंज हो गया, सब्जेक्ट इधर आ गए, नाम इधर चला गया, ठीक है। दोबारा इसको इधर ले जाओ, स्टूडेंट नेम इधर ले आओ, ये जो है इसको कहते हैं की, इसको की भी कहते हैं, लीजेंड भी कहते हैं, जिसकी वजह से चार्ट आपको समझ आ रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास इंसर्ट टेबल, मतलब जिस तरह हम लोग सिलेक्ट करके टेबल नहीं लगाते हैं, यहाँ से होम पे जाके यहाँ से टेबल लगा रहे हैं, वो टेबल हम डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्शन करके ओके करो तो ये टेबल यहाँ से भी लग जाएगा। इस टेबल को आप बकायदा फॉर्मेट कर सकते हो, इसको ना ये आपको होम पे जाके ना ये टेबल फॉर्मेटिंग है, कौन सा टेबल चाहिए आपको, ठीक है। अब ये टेबल और दूसरा जो सिंपल टेबल है, इनमें फर्क क्या है, क्वेश्चन इज दिस, व्हाट्स द डिफरेंस। अब इसको सिलेक्ट करके यहां पर मैं इसकी मदद से टेबल बना लेता हूँ, एक में इस साइड पर टेबल बना लेता हूँ, एक टेबल इस साइड पर है, एक इस साइड पर है। अब आप ये देखो, यहां पर मैं अपना पॉइंटर रखता हूँ और इंसर्ट में जब जाऊंगा तो कितनी कमांड्स आ रही हैं, चार आ रही है ना, यहाँ रखो इंसर्ट कॉलम करो, फिर भी चार आ रही है। जब इसमें माउस रखोगे तो आपको वो सिक्स दे रहा है, कितनी कमांड दे रहा है, सिक्स। फर्क क्या है इसमें, यहां रखो आप करते हो मसल, ये मैंने कुछ लिखा है इसके अंदर, मुझे इसके ऊपर एक और रो चाहिए, इंसर्ट शीट रो, तो इसके ऊपर लाइन इंसर्ट हो गई है, लेकिन लाइन ऐसी इंसर्ट हुई है कि उसने साथ वाले को भी डिस्टर्ब कर दिया, इंसर्ट शीट रो यहां तो है ही है, तो इसने इसको भी डिस्टर्ब कर दिया, जो साथ वाला टेबल है उसमें भी इंसर्ट हो गई। उसी तरह अगर हम यहां मौजूद हैं, ये आपका कुछ डाटा ऐसे मेंशन है, यहां रखो इंसर्ट शीट कॉलम, तो यहां तो इंसर्ट हो ही गया, यहां भी हो गया। जब हम इसमें आते हैं ना, हमसे पूछता है कि इंसर्ट शीट रो कॉलम रो, लेकिन नीचे दो चीजें और आ रही है, इंसर्ट टेबल रो एंड टेबल कॉलम। शीट क्या करती है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, एंड तक रो इंसर्ट कर देती है, एंड तक कॉलम इंसर्ट कर देती है। जबकि ये क्या करता है, ये सिर्फ उस टेबल के अंदर ही इंसर्ट करेगा, राइट लेफ्ट को या बॉटम टॉप को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इंसर्ट टेबल रो, और देखो इधर इंसर्ट हुई है, इसको डिस्टर्ब नहीं किया। अब यहां रखो इंसर्ट टेबल कॉलम टू लेफ्ट, इधर हुआ है, नीचे डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये आपका है वो टेबल जो हमने यहां से लगाया, ये इसका एडवांटेज है, समझ आई। नेक्स्ट हमारे पास है जी, आपने को पिक्चर इंसर्ट करनी है, जस्ट क्लिक करो, जो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल डाटा है वहां से आप पिक्चर्स को इंसर्ट करके डाल सकते हो। ये लो जी, डॉक्टर बर्थडे कार्ड दिखाते हैं आपको, इंसर्ट पिक्चर्स, साइज ही बड़ा बड़ा, यहाँ से ये देखो, यहाँ से साइज कर सकते हो, 3.9 कर दो, यहाँ से रोटेट कर लो, ये रोटेट इमेजेस, ठीक है, उल्टा ही हो रहा, सीधा हो नहीं जाए, मोर रोटेट ऑप्शंस, यहाँ से मर्जी से रोटेट कर सकते हो। क्लिप आर्ट में बने बने हमारे पास यहाँ बड़े बिल्डिंग चाहिए हमें, तो बिल्डिंग मिल जाएंगी हमें, चाहिए जी बुक्स को, तो बुक्स आ रही है, यहाँ रख के क्लिक करोगे वो इंसर्ट हो जाएगा।
शेप्स में शेप्स पड़ी हुई हैं, किसी को भी आप सिलेक्ट करके तो उसको आप ड्रा कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। ये मैं शिफ्ट से कर रहा हूँ तो प्रोपोर्शनेट बन रहा है। वैसे आपकी कभी यूं हो रहा है कभी यूं हो रहा है, अगर शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप बनेगी। इंसर्ट शेप दिस, इसको इसके अंदर लिखना है राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, इसके अंदर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हमारे पास क्या है जी, स्मार्ट आर्ट इसमें आपके पास लिस्ट है, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामाइंड, पिक्चर, किसी को भी यूज कर सकते हो। यानी अपने टॉपिक को ग्राफिकली अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। आप इस लिस्ट ले लो आप, ओके लिस्ट आ गई, आप यहाँ लिस्ट बना रहे हो आप किस चीज की, ऑफिस पैकेज ग्राफिक डिजाइन, एंटर करोगे तो चौथा इंक्रीज हो जाएगा उसमें, ठीक है जी। अब इसको सिलेक्ट करो, यहां से पकड़ के साइज बड़ा करो, इसको और बेहतर करना है यहां से कलर्स ले लो आप, और बेहतर करना है इसको 3D बना लो यहाँ से, तो आपकी लुक देखोगे चेंज होती चली जा रही है। मीन वही टॉपिक को खाली अगर मैं इसको यहाँ का लिस्ट लिस्ट टाइप कर रहा हूँ और यहाँ मैं ऐसे लिस्ट टाइप करता हूँ तो इसके प्रेजेंटेशन में और इसमें बहुत फर्क है। ये आपको खूबसूरत लग रहा है, यानी को अपने अवेलेबल डाटे को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का नाम ही स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट और इसमें एक हमारे पास है जी स्मार्ट आर्ट में हायरार्की, इसमें हम लोग चार्ट को बना सकते हैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकअप। यहाँ क्लिक करो, मुझे इसका टास्क पैन चाहिए, ये टेक्स्ट पैन आ जाएगा, ये है टेक्स्ट पैन, दिस वन, ये हैं जी जीएम, द नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजर एडमिन, मैनेजर एचआर, किसी को ऐड कर, ये देखो। अब आप ये को सेलेक्ट कर लो, इसको ले लो, इसके बाद इसको सेलेक्ट किया ना, ऐड शेप, ऐड शेप बिलो, इससे नीचे एक और आ जाएगी, इससे नीचे अब इसके नीचे क्या चाहिए मुझे, ऐड शेप, ऐड असिस्टेंट, उसके नीचे आ जाए, और इसके बराबर चाहिए एड शेप बिफोर, उसके साथ दूसरा डायरेक्शन आ जाएगा, इसके साथ और आ जाएगा, ऐसे आप चार्ज जितना मर्जी इंक्रीज करते चले जाओ, ठीक है। ये अक्सर जस्ट लाइक आपका जो फैमिली ट्री कह लो आप, ऑर्गेनाइजेशन ट्री कह लो आप, हायरार्की पूरी आपको डिस्प्ले हो जाएगी इसके अंदर। अब इनको आप लोग डिफरेंट डिज़ाइन में भी कर सकते हो, खाली ये डिज़ाइन नहीं है, इसका तो बेशुमार ऑप्शंस हैं। आप डिज़ाइन में जाओ, पहले तो कलर चेंज कर लो आप, तब एक जैसे कलर्स आपको वो शो करे वो, ठीक है, उनके फिर आगे 3D कर लो उसको जस्ट लाइक दिस, फिर उसके बाद उसके डिज़ाइन हैं इस तरह से, फिर टाइप चेंज हो रही है, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ये ऐसे चाहिए,
अच्छा स्क्रीनशॉट जो है ना, स्क्रीनशॉट में देखो अभी आपको थ्री विंडोज दे रहा है वो, इनमें वन जो है ये एक्टिव आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, एक आपका ये ब्लैक है रिकॉर्डिंग फॉर्म है, एक आपका ये शीट ये वाली। अब नीचे देखो मेरे पास क्या क्या चीज़ें ओपन है, फॉर एग्जाम्पल ये फोल्डर ओपन है, उसके बाद ये ब्राउजर ओपन है। अब अगर मैं एक्सेल में जाके अब अगर करूँगा ना यहाँ जाके स्क्रीनशॉट, मुझे यहाँ पर वो फोल्डर भी दे रहा है ब्राउजर भी दे रहा है। अब यहाँ क्लिक करोगे तो वो सेटअप यहाँ ले आएगा एज इट इज। अगर आपको स्पेसिफिक कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है किसी को शेयर करने के लिए, इसमें कल मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर की थी। अब यहाँ पर कोई भी आप साइट ले लो, मसलन के ये साइट ले लो, इसको एज इट इज़ आपने प्रेजेंट करना है। इसको जस्ट आप करोगे अपने कीबोर्ड से, प्रिंट स्क्रीन का बटन है उसको प्रेस करोगे और यहाँ पे आके क्या कर दोगे कंट्रोल। और अगर आप यहाँ से करते हो कंट्रोल ओ, ये ओपन आ गया आपके पास ओपन डायलॉग बॉक्स। मुझे सिर्फ ये चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या करूँगा मैं ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन, इसको क्लोज करो। अब इस जगह रख के कंट्रोल वी कर दूंगा तो सिर्फ वही डायलॉग बॉक्स आएगा, सारी शीट नहीं है, सारा डिस्प्ले नहीं आएगा, जितना हिस्सा आया मेरे पास ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन।